सुप्रभात प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक लघु भारत के अंतर्गत पाठगत बातों को आपको बताया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य मूल बात हैं, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब लेखक इन शेरों को खोजते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो 7-8 जो शेर और श्रेणियाँ थीं वहाँ पर मिली और इस प्रकार से उनका दर्शन हुआ। इसके पश्चात इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब दो जवान सिंह उठे और उसे ओर को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। स्वाभाविक रूप से कोई मील दूरी पर हिरणों का एक झुंड जंगल में खा रहे थे, पत्ते घास जो उनका खाद्य पदार्थ है। उसी बीच एक जिराफ भी जो था वहाँ पर दिखाई दिया। वो भी बेवकूफ इसलिए कहा गया है कि शेर और हिरण के बीच में उनका होने का कोई औचित्य बिल्कुल नहीं है। उसमें 7-8 जो थे शेर, उसमें से दो जवान शेर थे वहाँ से उठे और आगे बढ़े। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मोर्चा क्या है? शिकार करने का जगह। वो भी वहाँ जाएंगे, हिरण को मारेंगे, खाएंगे और इस प्रकार से उनका अपना एक खाद्य पदार्थ या भोजन नियमित होगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह की नज़र पड़ रही है, अतः वो चरना भूलकर चौंकने उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ से भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं, शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि जानवर का करते हैं। जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है, अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। नैरोबी में से मॉरीशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। स्वाभाविक रूप से पूरी जो प्राकृतिक रूप है हिरणों के बीच का, सिंहों के बीच में शिकार करने का, उसके संदर्भ की चर्चा लेखक महोदय ने यहाँ किए हैं। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। ताड़ एक वृक्ष का पौधा है, प्रश्न भी आपको लिखना है। और ताड़ लेना का मतलब जान लेना, परख लेना या समझ लेना। उन पर सिंह की नज़र पड़ रही है, अतः वे चलना भूलकर चौकन्ने हो गए। वे सभी चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरा दुश्मन बहुत नज़दीक है, तो ये सब बिल्कुल एकत्रित होकर के चारों तरफ देखने ताकने लगे। चौकन्ने होना नहीं। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर एक हिरण एक तरफ भाग निकले, मगर बाकी जहां तहां खड़े रहे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले। जो झुंड था उनका, उसमें कुछ एक तरफ निकल भागे और कुछ बाकी जो वहां बचे हुए थे वे क्या करने लगे। भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। वे झुंड बना करके जहाँ तहाँ खड़े रह गए। हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 बजे रहे थे और 7 बजे उस नेशनल पार्क का फाटक सदा ये रात्रि विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है। इसलिए जाने के अलावा लेखक महोदय का कोई और विकल्प बचा हुआ नहीं था। वे चाहते थे कि किस प्रकार से ये शेर इन हिरणों के
झुंड में से उनको निकालते हैं या किस प्रकार से शिकार करते हैं, इसको आंखों देखा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और ऐसे भी सूर्यास्त होने के पश्चात ही शिकार अधिकांश शेर करते हैं और सूर्यास्त होने में थोड़ा समय भी लगेगा। शिकार वे झुंड में किसी पशु का नहीं करते, दो तीन कारण है, या सभी लोग भागते भागते कोई पिछड़ जाए तो उसको वे दबोच लेते हैं, या फिर किसी अन्य कारण से वह अकेला पड़ जाए तब निश्चित रूप से उसे कर लेते हैं। और यही कारण है कि पूरा का पूरा हिरण का जो झुंड था एक समूह में एकत्रित हो गया ताकि शेर को वहाँ आने का मौका न मिले। वे भी जानते हैं कि शिकार करने वाला शेर से हमें कैसे बचना है, और शेर भी जानता है कि किस प्रकार से हमें शिकार करना है। अब एक बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद समझकर गोल में क्यों खड़े थे। वे भागने की बात को छोड़कर के एक साथ जो एकत्रित थे समूह में, उसके पीछे कारण यही था कि यदि झुंड में है तो शेर हिम्मत नहीं करेगा कि उनका शिकार हम करें, इसलिए वे अपने बचाव में एक समूह में एकत्रित हो गए। और इसके पश्चात शायद कोई भी शिकार शेर तभी करता है जब एकांकी पशु मिले, और इस प्रकार से इन बातों को वे समझ गए। अब लेखक महोदय का समय भी हुआ, वे नैरोबी से मॉरीशस तक BOAC की विमान से उड़े, क्योंकि वहाँ पर इंडियन एयरलाइंस का विमान नहीं था। हम लोग उसके संदर्भ की चर्चा किए कि किस प्रकार से सेवा यह विमान हमें देती है, लेकिन अब विकल्प नहीं होने के पश्चात BOAC विमान की कंपनी है, इसी विमान से वे मॉरीशस के लिए चले। मॉरीशस के भारतीयों से अधिकांश बिहार और प्रदेश के लोग हैं। मॉरीशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरीशस में व्यापक प्रचार है। स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया था कि जब लोग कहीं जाते हैं तो अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना आहार व्यवहार विचार और आचरण, साथ ही साथ अपनी भाषा ले करके ही जाते हैं, और ये अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो समग्र रूप से हिंदी का जाना सुनिश्चित है, और यही कारण है कि वहाँ पर हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ है। मॉरीशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है, याद रखिएगा इस चीज़ को। राजभाषा जो उनकी है नहीं, वह क्या है, अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा वहाँ उनकी क्या है, क्रियोल। क्र संयुक्त एकार या ओकार और ल, क्रियोल। क्रियोल के बाद मॉरीशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, दूसरी जो सबसे बड़ी समूह में बोली जाने वाली कोई भाषा है तो वह है आपका भोजपुरी। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं, जो भी वहाँ पर लोग हैं, अधिकांश लोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं ही, और स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी का प्रचलन खूब है, और इसी कारण से है कि वहाँ पर अधिकांश लोग उसको बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं। देखिए, भाषा संगति से प्राप्त होता है, साथ में रहने के कारण बोलचाल की भाषा इनकी भी भोजपुरी हो गई। किनकी? चीनियों की, क्योंकि उन भाषा को नित्य प्रति सुनते समझते और जानते हैं, और इस प्रकार से वे भी बहुत अच्छे से भोजपुरी बोलते हैं। किंतु मॉरीशस की भोजपुरी शाहबाद या शरण की भोजपुरी नहीं है, उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको आजू बाजू के लोग से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। वास्तव में वहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनकी भी भाषा का सम्मिलित होना, उसमें सम्मिश्रित होना स्वाभाविक है। इन भोजपुरी में अनेक फ्रेंच शब्दों के रूप उसमें घुल मिल गए हैं, परिणामस्वरूप सारी बातें समझ में आए, ऐसी बात नहीं है। अगल बगल में जो लोग वहाँ रहते हैं उनके संदर्भ में पूछने के पश्चात वस्तुतः भोजपुरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हिंदी और भोजपुरी मॉरीशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। सबसे बड़ी विशिष्ट बात तो यह है कि भोजपुरी और हिंदी पूरे मॉरीशस के लोगों को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं,
ताकि ताकि लोग अपनत्व के भाव से इसे देखें। आप इस बात को जानते हैं कि हम भाषा के कारण ही संपूर्ण स्वाधीन हुए। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्तता के साथ जो माध्यम है वह हमारी भाषा है। अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने का स्वाभाविक रूप से वहाँ पर भी ये सभी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन हिंदी भोजपुरी रह कर करके पूरे मॉरिशस को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न और प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन में अन्य बातों को निर्मित किया जाएगा। धन्यवाद।